हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। इस वीडियो से हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी को दोस्तों इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं और ये चैप्टर मेरे दिल के बहुत करीब है और ये चैप्टर बहुत ही सुंदर चैप्टर है। इसको पढ़ने में आपको मजा आएगा और इस चैप्टर में इतने प्यारे प्यारे डायग्राम हैं कि आप इंजॉय करोगे इस चैप्टर को। तो शुरू करते हैं अपन। प्रकाशिकी, जैसा कि नाम में है, प्रकाश का अध्ययन। तो प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। अब दोस्तों अगली बात यह आती है कि प्रकाश, जिसको अंग्रेजी में लाइट बोलते हैं, वो होता क्या है। तो प्रकाश के बारे में आपको 9th क्लास 10th क्लास में ये पढ़ाया जाता है कि प्रकाश आपको चीजों को देखने में समर्थ बनाता है, मतलब प्रकाश की हेल्प से आप चीजों को देख सकते हो। वो बच्चों वाली डेफिनेशन है। जो बड़ों वाली डेफिनेशन है, जो 12th क्लास में आने के बाद आपको जाननी चाहिए, वो डेफिनेशन ये है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इंग्लिश में इसका बड़ा ही अच्छा नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले तो EMW, BMW नहीं है, EMW है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सुनकर के आपको अच्छा लगेगा कि आपके आसपास बहुत सारी किरणें हैं, जैसे एक्स किरणों का आपने नाम सुना होगा, एक्सरे। अगर हमारे हाथ में फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करवाता है, एक्सरे। तो एक्स किरणें होती हैं जो आपके शरीर पर डाली जाती हैं और उससे फोटो खींच के सामने आती हैं, एक्स किरणें। अगली है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव किरणें वो किरणें हैं जो माइक्रोवेव ओवन में आपको देखने को मिलती हैं, और जिससे आप खाना गर्म करते हो, समोसा वगैरह हम गर्म करते हैं माइक्रोवेव ओवन के अंदर, उसके अंदर माइक्रोवेव होती है। तो एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियोवेव, जिससे हम FM वगैरह सुनते हैं, ये माइक्रोवेव, रेडियोवेव, एक्सरे, गामा किरणें, अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी किरणें, नाम सुना होगा आपने। ये सारी किरणें जिस समूह में आती हैं वो समूह होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे एक विशाल समूह है जिसमें एक्सरे, गामा रे, आपकी माइक्रोवेव, रेडियो, ये सब आती हैं, और इसी के अंदर हमारा प्रकाश भी आता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक हिस्सा होता है प्रकाश, जिसको हम दृश्य तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश ही वो है जो हमें दिखता है, तो दृश्य तरंगे कहलाता है। और इसमें 7 रंग होते हैं और उन 7 रंगों को इंद्रधनुष के 7 रंग कहा जाता है, विबग्योर, वॉयलेट, बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, जब ये 7ों रंग आपस में मिल जाते हैं तो उससे बनता है आपका श्वेत प्रकाश, और उसी श्वेत प्रकाश को हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। तो आज तक तो आप बच्चों वाली डेफिनेशन जानते थे जिसमें आपको ये बताया जाता था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश आपको चीजों को देखने योग्य बनाती है। आज मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग में भी कौन से 7 चीजें हैं इसके अंदर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और ये सब मिलकर के क्या बनता है, सफेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश। और अगर और जानना चाहोगे तो इसका जो तरंग दैर्ध्य है, तरंगों के लिए तरंग दैर्ध्य होती है, तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य वो होती है 3500 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो होती है 7500 एंगस्ट्रॉम के आसपास। आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है, ये है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10^-10 मीटर। तो जो आपका वॉयलेट है उसकी तरंग दैर्ध्य होती है 3500 एंगस्ट्रॉम, और जो रेड है उसकी होती है 7500 एंगस्ट्रॉम, बाकी सबकी इनके बीच में होती है। तो अगर ढंग से बोले तो प्रकाश एक विद्युत चुंबक की तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तो याद रहेगा दोस्तों कि प्रकाश एक विद्युत चुंबक की तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य लगभग 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। आगे देखिए, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब माध्यम है तो भी प्रकाश चलेगा, माध्यम नहीं है तो
तो भी प्रकाश चलेगा। इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ यह है कि हमारी धरती पर प्रकाश कहां से आता है, हमारी धरती पर प्रकाश सन से आता है, सूर्य से आता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में तो कुछ भी नहीं है, निर्वात है। उसके बाद भी प्रकाश चल करके सूरज से धरती तक आता है। इसका मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर माध्यम की आवश्यकता होती तो हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच में तो कोई माध्यम ही नहीं है, तो फिर प्रकाश चल ही नहीं पाता, और प्रकाश चलता नहीं तो हम तक कभी पहुंचता नहीं। बट हम सब जानते हैं कि प्रकाश सूर्य से हम तक पहुंचता है, मतलब प्रकाश निर्वात में भी गति करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो यहां पर आपने निर्वात लिया, ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। ध्यान से देखना, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ठोस में भी चलेगा, द्रव में भी चलेगा, गैस में भी चलेगा। ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि अगर माध्यम नहीं होगा तो प्रकाश नहीं चलेगा। प्रकाश चल सकता है बिना माध्यम के भी, निर्वात में भी चल सकता है, ये इसका मतलब है। परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, अर्थात यहां भी प्रकाश चलेगा, यहां भी प्रकाश चलेगा, यहां भी चलेगा और यहां भी चलेगा। परंतु जब प्रकाश निर्वात में चलेगा तो उसका वेग कुछ और होगा, प्रकाश ठोस में चलेगा तो उसका वेग कुछ और होगा, द्रव में चलेगा तो उसका वेग कुछ और होगा, गैस में चलेगा तो उसका वेग कुछ और होगा। सब में चल सकता है, माध्यम में भी चल सकता है, माध्यम के बिना भी चल सकता है, ये इस बात का मतलब है। और इस बात का मतलब यह है कि अगर माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का वेग भी बदलेगा। प्रकाश माध्यम में चल सकता है, बिना माध्यम के भी चल सकता है, परंतु जब भी आप परिवर्तन करोगे तो प्रकाश का वेग अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आई? इसमें भी चल लेगा, इसमें भी चल सकता है, इसमें भी चल सकता है, इसमें भी चल सकता है, परंतु सब में अलग अलग वेग से चलेगा, वेग बदल जाएगा। प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम बदलोगे तो प्रकाश का वेग बदलेगा। और प्रकाश का वेग सबसे तीव्र होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। और कितना होता है निर्वात में? प्रकाश का वेग होता है 3×10^8 मीटर पर सेकंड। प्रकाश निर्वात में किस वेग से चलता है? 3×10^8 मीटर पर सेकंड। सुनने में आपको छोटा लग रहा होगा, मैं इसको अभी बड़ा करके दिखाता हूं। 3×10^8 मीटर पर सेकंड, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने मीटर एक सेकंड में। अब इसको 1000 से, 1000 से भाग लगा रहा हूं ताकि ये किलोमीटर में बदल जाए। तो 3 जीरो हटा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो बचेंगे, 3 जीरो हट गए, मैंने 1000 से भाग लगा दिया, अब ये हो गया इतने किलोमीटर पर सेकंड। अब इसको गिनो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। अब आप सोचो, जब आप अपनी एक पलक झपकाते हो, एक सेकंड, उसमें प्रकाश निर्वात में 3 लाख किलोमीटर चल चुका होता है। कितनी बड़ी बात है! जब अपने पलक झपकाते हो तो एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल चुका होता है। फिर भी इतना तेज चलने के बाद भी, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में कवर करने के बाद भी, सूर्य से धरती तक आने में प्रकाश को 8 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है। भाई निर्वात में प्रकाश चलता है 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, इतना तेज, उसके बाद भी सूर्य से धरती तक आने में प्रकाश को समय लगता है 8 मिनट 24 सेकंड। मतलब आप ये समझ सकते हो कि हम सूर्य से कितनी दूर बैठे हैं और इसलिए हम जिंदा हैं। अगर वो थोड़ा भी पास होता तो हमें जला के राख कर चुका होता। तो प्रकाश कितनी बड़ी चीज है वो मैंने आपको समझाई। अब आगे की पॉइंट्स देखते हैं। अब देखिए, प्रकाशिकी के दो भाग हैं, एक है किरण प्रकाशिकी, दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। तो हम
पहले इस चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी, फिर इसके अगले वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी। तो शुरू करते हैं किरण प्रकाशिकी से। इस पूरे चैप्टर में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो किरण प्रकाशिकी है। किरण प्रकाशिकी में हम प्रकाश को एक किरण के रूप में मानते हैं, और सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह आता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है मतलब प्रकाश एकदम सीधा चलता है। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। मैं एकदम बेसिक से इस चैप्टर को उठाऊंगा ताकि आपको सबको समझ में आए कि प्रकाश का जो सरल रेखीय पथ है, अब आपको पता है कि प्रकाश जो है वो सीधा चलता है, तो प्रकाश का जो ये सीधा पथ है, रास्ता है, पथ का मतलब होता है रास्ता, उसको अपन क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तो ये किरण है, और किरणों का जो समूह है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो अगर बहुत सारी किरणों का समूह है तो इसको किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बिंदु देखिए, क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। मान लीजिए ये माध्यम वन है और ये पृथककारी पृष्ठ है और ये माध्यम टू है, मतलब ये वो लाइन है, इस लाइन के इधर माध्यम वन है, उधर माध्यम टू है। माध्यम मतलब मीडियम, जैसे हवा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है ना, तो माध्यम का मतलब होता है मीडियम। अब अगर एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है, आती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश, तो क्या क्या हो सकता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो तीन घटनाएं हो सकती है। पहली घटना यह हो सकती है कि प्रकाश टकरा करके वापस आ जाए। तो पहली घटना क्या हो सकती है, प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट आए। ऐसा देखा है आपने कहीं? बिल्कुल देखा है। जब भी आप सुबह सुबह तैयार होकर के दर्पण के सामने खड़े होते हो तो दर्पण में क्या होता है, प्रकाश जाता है, दर्पण से टकराकर वापस आता है और आपको अपना प्रतिबिंब देखने को मिलता है। तो यह पहली घटना है। दूसरी घटना, प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। प्रकाश जो है वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है एवं अपने पथ से विचलित हो जाता है। आप देखिए, ये प्रकाश ऐसे आ रहा था, विचलित होकर के ऐसे चल गया। आपने ये भी देखा है, आपने ग्लास के अंदर पेंसिल रखी होगी कभी, या पेन रखा होगा, या ग्लास में चम्मच रखा होगा और वो कांच का ग्लास होगा तो आपको पेंसिल, पेन या चम्मच मुड़ा हुआ दिखता होगा। बेसिक एक्सपेरिमेंट है। अभी स्क्रीन के ऊपर आप डायग्राम देख रहे हो, उसके अंदर ऐसा हो रहा है। तो जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अंदर प्रवेश करता है तो अपने रास्ते को बदल लेता है, इसलिए वो पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिख रही है। ये दूसरी घटना है जो हो सकती है। तीसरी घटना, पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश का अवशोषण। भाई ये भी हो सकता है कि ये जो पृष्ठ है ये पृथककारी पृष्ठ कहलाता है, ये होता है पृथककारी पृष्ठ। ये पृथककारी पृष्ठ इसलिए है क्योंकि ये इस माध्यम को अलग कर रहा है। तो पृथककारी पृष्ठ पे प्रकाश का क्या हो जाए, अवशोषण। जैसे मान लो आपने एक टॉर्च ली, टॉर्च को जलाया और टॉर्च को जला के दीवार के इस तरफ रखा और फिर आप उस तरफ से आगे देखते हो तो ये प्रकाश इस दीवार को चीरता उधर नहीं पहुंचता। इसका मतलब इस दीवार ने इस प्रकाश का क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया। या अगर मैं प्रकृति में उदाहरण दूं तो आपने सुना होगा कि पत्तियां अपना वजन स्वयं बनाती हैं, पादप पेड़, उनके अंदर पत्ती होती है, पत्ती में एक वर्णक होता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है। तो वो तीसरी घटना हो सकती है। ठीक बात है, अगर प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट आता है तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अगर प्रकाश अंदर प्रवेश करता है और अपने रास्ते से भटक जाता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है, तो इसको अपवर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश सतह पर सोख लिया जाता है तो उसको अवशोषण कहते हैं। तो तीन घटनाएं हो सकती हैं, एक तो परावर्तन, दूसरा अपवर्तन और तीसरा अवशोषण। हम पहले से शुरू कर रहे हैं परावर्तन से। तो अब टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तथा पृथककारी पृष्ठ, मतलब जो पृष्ठ उन दोनों को अलग कर रहा है, उससे टकरा करके, उसको परिसीमा भी बोलते हैं, उससे टकरा करके अगर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब मैं आपको प्रकाश का परावर्तन समझाऊंगा और उसका नियम भी समझाऊंगा, मतलब परावर्तन के नियम मैं आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए हमने एक दर्पण लिया है, दर्पण आप सभी लोग जानते हैं जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। दर्पण के पीछे पॉलिश करी हुई होती है, तो यह है दर्पण की पॉलिश सतह और यह है दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जहां से परावर्तन हो सकता है। भाई दर्पण के सामने खड़े होगे तो अपनी इमेज आपको दिखेगी, अपना प्रतिबिंब दिखेगा, मतलब सामने वाले हिस्से से परावर्तन हो रहा है तो वो कहलाता है परावर्तक पृष्ठ, और पीछे का हिस्सा जो पॉलिश किया हुआ है वो कहलाता है पॉलिश सतह। अब दर्पण पर एक किरण आती है, ये किरण आ रही है दर्पण पर, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। तो ये जो किरण है ये आपतित किरण है, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। नाम दे दो, पी क्यू। तो पी क्यू जो है वो क्या है, आपकी आपतित किरण। इस बिंदु पर आई है, इस बिंदु पर आई है, ये बिंदु क्यू है। तो बिंदु क्यू जो है उसको अपन बोलते हैं आपतन बिंदु। भाई आने वाली किरण को क्या बोलोगे, आपतित किरण। ये किरण आ रही है, इसका नाम होगा आपतित किरण। जिस बिंदु पर आई है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु पर पृथककारी पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ पर अगर हम एक 90 डिग्री की लाइन बनाए, अर्थात आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत अगर अपन ऐसे एक लाइन बनाए, तो उस लाइन को कहा जाता है आपतन बिंदु पर अभिलंब। मैं एक एक चीज आपको फील कराना चाहता हूं, कुछ भी रटवाना नहीं चाहता। तो इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर प्रकाश आया उसको अपन क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। उस आपतन बिंदु पर 90 की एक लाइन अभिलंब, वो क्या कहलाता है, आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब प्रकाश आया है तो टकरा करके वापस जाएगा, तो ये किरण टकरा करके वापस चल गई। टकरा करके वापस जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। टकरा के वापस जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। अब देखो यहां पे एक कोण बन रहा है, ये कोण किसके मध्य है, आपतित किरण के मध्य और आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य। तो आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य जो कोण है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य जो कोण है, इस कोण को बोलते हैं एंगल आई, और एंगल आई कहलाता है आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, इसलिए वो आई आ रहा है, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ऐसे ही एक कोण यहां पर बन रहा है, ये कोण किसके मध्य है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य। तो परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण, इसको एंगल आर बोलते हैं
और एंगल आर कहलाता है परावर्तन कोण, रिफ्रैक्टिंग एंगल, इसलिए वो आर आ रहा है। ठीक है, वापस देख लो, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। आने वाली किरण जिस बिंदु पर आई आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर परावर्तक प्लस के 90 की लाइन, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब का मतलब 90 होता है, अभिलंब के बीच में और आपतित किरण के बीच में कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण परावर्तन कोण। अब हम देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। मतलब आपतन कोण है एंगल आई और परावर्तन कोण क्या है एंगल आर, तो ये एंगल आई जो है वो एंगल आर के क्या होता है बराबर होता है। अगर कोई किरण 30 डिग्री पर आती है तो 30 डिग्री पर ही जाएगी, कोई किरण 60 डिग्री पर आएगी तो 60 डिग्री पर ही जाएगी। मतलब आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। इसको हम बोलते हैं पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसको ध्यान समझिएगा, ये आपकी आपतित किरण है, आपकी आपतित किरण किस तल में आ रही है, तल का मतलब होता है x और y से मिलकर बनने वाले ज्योमेट्री को हम तल बोलते हैं। तो अगर ये प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है तो इसका तल क्या है, इसका तल है ये व्हाइट बोर्ड। आप समझो ध्यान से, ये जो प्रकाश किरण आ रही है इस प्रकाश किरण का तल क्या है, ये प्रकाश किरण इस व्हाइट बोर्ड के साथ साथ आ रही है, इसका मतलब व्हाइट बोर्ड क्या है, इसका तल है। तो आपतित किरण का तल क्या हुआ, व्हाइट बोर्ड। ये जो अभिलंब आपने बनाया है, ये अभिलंब किसके ऊपर बनाया है, ये अभिलंब भी आपने व्हाइट बोर्ड पे बनाया है, इसका मतलब अभिलंब का तल भी क्या है, ये व्हाइट बोर्ड है। जो प्रकाश किरण टकरा के जा रही है उस परावर्तित किरण का तल क्या है, उसका तल भी ये व्हाइट बोर्ड ही है। मतलब आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों व्हाइट बोर्ड के तल में ही है, मतलब तीनों का तल एक ही है। यही है आपका दूसरा नियम। अब आप बोलोगे कि सर तल को कैसे बदल सकते हैं अपन, तो तल बदल जाता अगर मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे आती और टकरा करके यूं जाती, तो अगर ये टकरा करके ऐसे जाती तो फिर इसका तल होता ये वाला, ये इसका तल होता। आप तल को समझिए, जैसे प्रकाश किरण अगर ऐसे है तो ये उसका तल है, प्रकाश किरण यूं जा रही है तो ये उसका तल है। मतलब उसको संभालने वाला जो तल होता है प्लेन, जो उसको कंटेन कर ले, जो उसको रख ले अपने अंदर, उसको तल बोलते हैं। तो अभी इस किरण को व्हाइट बोर्ड रख रहा है तो व्हाइट बोर्ड इसका तल है। तो दूसरा नियम ये बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकाश किरण इस तल में आए और इस तल में जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रकाश किरण जिस तल में आई है उसी तल में वापस जाएगी और उसी तल में क्या बनेगा, उसका अभिलंब बनेगा। ऐसे प्रकाश यूं आकर के ऐसे नहीं जा सकता, जिस तल में आया है व्हाइट बोर्ड के तल में आया है तो व्हाइट बोर्ड के तल से ही वापस जाएगा। मैंने पूरी कोशिश करी आपको इस टॉपिक को समझाने की, आई होप आपके समझ में आया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वो तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों का तल यहां पर क्या है, व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो ये हमने देखा कि प्रकाश क्या होता है। दो मिनट में रिवाइज करते हैं। प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगें कई प्रकार की होती हैं, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। उसमें से प्रकाश एक वो हिस्सा है जो 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, सबको मिलाकर के श्वेत प्रकाश बनता है। दूसरी बात हमने जानी कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम है तो भी प्रकाश चलेगा, माध्यम नहीं है तो भी प्रकाश चलेगा, परंतु प्रकाश का जो वेग है वो माध्यम पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग होता है निर्वात में। कितना, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, अर्थात 300,000 किलोमीटर एक सेकेंड के अंदर। फिर भी आपने देखा कि इतना तेज आने के बाद भी प्रकाश को सूर्य से धरती तक आने में 8 मिनट 24 सेकंड लगते हैं, मतलब हम कितना दूर हैं सूर्य से। फिर आपने जाना कि जब प्रकाश किरण आती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह में जाना होता है तो तीन ऑप्शन होते हैं, या तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो टकरा के वापस आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन। अंदर जाती है तो अपना रास्ता बदल लेती है, पथ से विचलन दिखाती है, उसको हम बोलते हैं अपवर्तन। या फिर सतह के ऊपर ही क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, जैसे क्लोरोफिल करता है प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर।
फिर परावर्तन में मैंने आपको समझाया कि आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ये वाला कोण आपतन कोण, ये वाला कोण परावर्तन कोण, और आपतन बिंदु पर 90 की लाइन अभिलंब कहलाती है। इसको अपन ने अच्छे समझा। उसके बाद अपन ने देखा कि दो नियम होते हैं, एक तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में, मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आया या नहीं आया। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। थैंक यू।